साकिब और असान का शो है ये, डिबेट्स और गेम्स का फ्लो है ये, जहां हर बात है डायनामिक, फ्रेश पर्सपेक्टिव, सब फैंटास्टिक। बैटल ऑफ द बेस्ट, लेट्स बिगिन द क्वेस्ट, लाइव इन डिस्कशंस, नो टाइम फॉर रेस्ट, साकिब और असान सबके बीच अ फाइट, अ कंपेरिंग इश्यूज, लेट्स इग्नाइट। बैटल ऑफ द बेस्ट, लेट्स बिगिन द क्वेस्ट, लाइव इन डिस्कशंस, नो टाइम फॉर रेस्ट, साकिब और असान सबके बीच अ फाइट, अ कंपेरिंग इश्यूज, लेट्स इग्नाइट। Skills your degree, kaun sa hai zaruri? Online ya traditional, shopping ka hai theory? Classrooms ya e-books, pahai ka hai rang? Work from home ya office, kis taraf hai humse? Battle of the best, let's begin the quest. Lively these discussions, no time for rest. Saqib aur Asaan, sabke beech a fight. A conflict issues, let's ignite. Har episode mein rang, har baat mein hai jaan. Saqib aur Asaan, ye show hai maidan. Hum hai ready, tum bhi ho ready. Leke aaye topics jo kar de steady. Battle of the best, let's begin the quest. Live these discussions, no time for rest. Saqib aur Asaan, sabke beech a fight. A conflict issues, let's ignite. Part of what there is, let's begin the quest. Live these discussions, no time for rest. Saqib aur Asaan, sabke beech a fight. A conflict issues, let's ignite. Har apne rang, har baat the best. Welcome to the show. Hello, 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 assalamu alaikum Pakistan, this is me Ehsan Iqbal again and again. Ek martaba phir listeners ke saath hazir e khidmat, show ka naam change hua hai, awaaz change nahi hui, energy change nahi hui, listeners bhi bade zarur hain, kam nahi hue honge. Kya haal chaal hai aap tamam logo ke khair khairiyat se hain, aapke aas paas ka mausam kaisa hai, aapke dilon ka mausam kaisa hai. Hamare saath Saqib Raza bhi maujood hai, inhe welcome karte hain. Maine isliye cover kiya tha ki ye jo hai na dobara se shuru na ho jaye. माइक पर हमारी जंग उसी तरीके से जारी रहेगी जैसा कि खेल खेल में जारी रहती थी. पहले हमारे पास एक गेस्ट भी होते थे, वो भी हमारा टाइम ले जाते थे, लेकिन अब हम होंगे और आप होंगे और ये दास्तान होगी. प्रोग्राम का नाम रिवील करते हैं मिलके. क्या हाल है साकिब रजा, हमारे प्रोग्राम का नाम क्या है? बैटल ऑफ द बेस्ट. वाओ, क्या बात है एहसन इकबाल, ऐसी ही एनर्जी चाहिए आपसे इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट में. इंशाल्लाह एक बार फिर हम आ गए हैं लिसनर्स के साथ. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके लिसनर्स? आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, तैयार होंगे एक बार फिर इंजॉय करने के लिए एहसन इकबाल और साकिब रजा की आवाज़ को. और काफ़ी गैप के बाद हम आ रहे हैं तो यकीनन आपने हमारा इंतज़ार किया होगा. यकीनन आप कहते होंगे कि नई सुबह वेब रेडियो पर ये दो लोंडे और दो लड़के नज़र नहीं आ रहे, कहाँ हैं ये आजकल, क्योंकि एक गैप आ गया था. खेल खेल भी नहीं हुआ, जीत का जोश भी ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप में हमने की, वो भी बहुत ज़बरदस्त आपका उसका फीडबैक आया उस ट्रांसमिशन को लेकर, तो वो भी ट्रांसमिशन एंड हो गई थी. तो एक बार फिर हम आ गए हैं बैटल ऑफ द बेस्ट के साथ और इंशाल्लाह बहुत कुछ नया है, बहुत सारी चीज़ें हैं. क्या कुछ है वो हम आपको बताएंगे गाये बगाए. एहसन इकबाल, क्या है, क्या चीज़ें हैं? गेस्ट को हमने क्यों ख़त्म कर दिया यार? खेल खेल को छोड़ के हम बैटल ऑफ द बेस्ट में आ गए, व्हाट इज़ दिस यार? सीधा सीधा मामला फ्रीडम ऑफ स्पीच का है. जब गेस्ट आते थे तो फिर हम कम बोल पाते थे, बस मसला ये था. बैटल ऑफ द बेस्ट, आप ये मत समझिएगा कि मैं और साकिब रजा कोई लड़ाई लड़ने वाले हैं और डिश 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 होगी यहाँ पे. ऐसा वैसा कुछ नहीं देखने को मिलने वाला. दिस इज नॉट द रेडियो WWE, दिस इज जस्ट अ ब्यूटीफुल डिबेट सेगमेंट, जिसकी वजह से हमने इसका नाम नहीं भाई बैटल ऑफ द बेस्ट रखा है. WWE रख सकते थे हम, बट दिस इज नॉट अ बॉक्सिंग चैम्पियनशिप और समथिंग लाइक दैट, रेसलिंग और कोई जॉन सीना वाला कैरेक्टर नहीं हमारा होने वाला.
और हमने जो है वो एक बहुत इंटेलेक्चुअल टाइप की डिबेट करनी है, जिस तरह के हमने खेल खेल में भी एक सेगमेंट स्टार्ट किया था, आप समझेंगे कि उसी की कंटिन्यूशन है। और इसके साथ साथ मेरी अंग्रेजी में मत जाएगा भाई, रेडियो मत बंद कीजिएगा, मैं अंग्रेजी कम बोल लूँगा। और इसके अलावा आप बताइए सागर भाई, हमने तो बताया नहीं कि लोग हमें कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, लिसनर्स हमारे सुनने वाले तो बहुत हैं। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लिसनर्स का फीडबैक हम तक नहीं पहुँचेगा तो फिर क्या फ़ायदा, हम क्योंकि उन्हीं के साथ ही कनेक्ट होने के लिए यहाँ पर आते हैं, उनके साथ वाबस्तगी, उनके साथ बात करने का जो मज़ा है वो कुछ दुबाला हो जाता है जब हम यहाँ आते हैं। तो एहसन इकबाल, मैं समझता हूँ कि हमारी ये जोड़ी जो है लोगों ने बहुत पसंद की थी, तो मेरे लिए भी ये एहसास की बात है कि आपके साथ माइक शेयर करने का एक बार फिर मौका मिल रहा है और लोग भी पसंद करते हैं हमारी जोड़ी को, तो इस पर क्या कहेंगे? आपके एहसास पर नहीं, हमारी जोड़ी पर। हमारी जोड़ी पर क्या कहना भाई, दो दिन मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके ओए ओए चुपके मिल रहे हैं। नहीं भाई, हम तो लिसनर्स के सामने मिल रहे हैं और अल्लाह ताला बस सलामत रखे, ये हमारी दोस्तियां हैं, हमारी जोड़ियां हैं। और मैं समझता हूँ जब आपकी साइकी मैच कर जाए, जब आपकी एनर्जी लेवल मैच कर जाए, तो जब आपकी केमिस्ट्री मैच कर जाए, तो मेरे ख्याल से फिर ये जोड़ियाँ टूटनी नहीं चाहिए। मैं आपको बताऊं लिसनर्स, ये काफ़ी डाउन हो रहे थे कि मैं इस बार नहीं कर रहा, आप कर लें। मैंने कहा नहीं यार, मैं अकेले नहीं कर सकता, मैं इनको बार बार कहता रहा और फाइनली मैं इनको मनाने में कामयाब हो गया, क्योंकि आदत सी है ना, अब तो आदत सी है मुझको एसएन के साथ जीने की। तो माय गॉड, मैं बता रहा हूँ इस शो के बाद मैं कुछ नहीं खिलाऊंगा, पहले बता रहा हूँ ताकि बोला वो मेरा काम है निकलवाना। तो जनाब बहुत सारी चीज़ें हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम ब्रेक डाउन करेंगे अपने शो को लेकर आपके साथ क्या होने जा रहा है बैटल ऑफ द बेस्ट में, थोड़ा सा बताएंगे एहसन इकबाल इस हवाले से भी। लेकिन उससे पहले जो हमारे ज़राए हैं हम तक पहुंचने के, वो बता दीजिए। ज़राए बताते चलें आपको कि आप हम तक किस तरीके से पहुंच सकते हैं, facebook.com/naisubahinstitute और 0330860072। ये जो दो तरीके हैं जो कि आपको रट चुके हैं। मुझे अम्मी रात को बोलती हैं कि मैं अगर तुम्हें नींद से भी उठाऊं और ये पूछूं कि भाई हम नई सुबह के वेब रेडियो पर किस तरह से कमेंट कर सकते हैं, तो तुम बता दोगे। बिल्कुल ऐसा ही है लिस्टनर्स। अच्छा, इसके अलावा अगस्त का महीना चल रहा है, आप तमाम लोगों ने इस माह आज़ादी को बहुत ही खुश असलूब तरीके से मनाया होगा, क्योंकि ये पाकिस्तान है तो हम हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हम इस तरीके से बोल चाल सकते हैं, इस तरीके से आप लोग हमें सुन सकते हैं, हमारी आवाज़ में कोई कदगन नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, और साथ साथ हमारा परचम, हमारी आज़ादी, इन सब चीज़ों की हमें कदर करनी चाहिए, क्योंकि ये कदर होगी तो हमें एहसास होगा कि हमारे बड़ों ने जिस तरीके से कुर्बानियाँ दी हैं वो कुर्बानियाँ कितनी काबिल तहसीन है, कितनी उनकी कीमत है। क्योंकि जान तो शायद जान ही सबकी है, सबने एक दिन मरना है, लेकिन जिस अजीम मकसद के लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं वो वाकईतन उनको बहुत अजीम कर गया है। तो मैं समझता हूँ कि हमें भी अपने पाकिस्तान को, पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, इस्तेहकाम के लिए हमें जितनी काविश और कोशिश करनी चाहिए, ये हमारी तरफ से एक अपना इनपुट है पाकिस्तान के लिए जो कि हमें देते रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात जनाब एहसन इकबाल, ऐसे मौके पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो बाजे बजा कर आप तफरियाँ कर रहे होते हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे हमारे जो पड़ोसी होते हैं या हमारे जो माशरे के बाकी लोग होते हैं उसमें, ज़ाहिर है काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो किसी बीमारी का शिकार होते हैं, तबीयत ठीक नहीं होती, उनके लिए फिर बहुत ज़्यादा जहमत का बायस बनता है, उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो मैं गुजारिश करूँगा कि ऐसी चीज़ों से ज़रूर इज्तनाब कीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें आप तफरी कीजिए, ऐसी जगहों पर जाएँ जहाँ पर आप खुल के इंजॉय कर सकें, ये हर जगह पर ये चीज़ करना भी ठीक नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, छोटे बच्चों को मैं समझता हूँ इन चीज़ों की तरबियत देनी चाहिए, ना कि वालदैन खुद लेके जाते हैं और बड़े बड़े बाजे दिला देते हैं। मतलब मैंने देखा है कि आज की जो महंगाई है उसमें शायद आप किसी गरीब को 50 रुपये देते हुए बहुत दिल आपका छोटा हो जाता है, लेकिन अपने बच्चों को 300-400 रुपये के आपने बाजे दिलवाए हुए, 500-500 रुपये के बाजे भी मैंने देखे हैं, और मुझे हैरानगी होती है कि इस बाजे से आप कौन से इंडिपेंडेंस शो कर रहे हो, मतलब इससे क्या फील हो रहा है कि आप आज़ाद हो, मतलब इंडिया में हम बाजे नहीं बजा सकते थे इसलिए हम पाकिस्तान आ गए, मतलब ये क्या है क्या बात, बाइक का साइलेंसर निकाल के वो इतना शोर करना, फट फट किए जाते हो और भी, मतलब ये सब कुछ। वो तो अभी तो शुक्र है अल्लाह ताला का कि हमारी फोर्सेस ने इतना कवर किया है, कि वरना तो इतना असलहा निकलता था रात को 12 बजे और दे दनादन फायरिंग। मैं तो कहता हूँ मजारे कायद पे कायदे आज़म भी कहते होंगे यार क्या मेरे सामने, हाँ शोर शराबा सुकून बर्बाद करते हैं। ओह यस, वेल मैं समझता हूँ एक नेशनल सॉन्ग प्ले करते हैं और क्या ख्याल है, हम दोनों मिलके गाते हैं उसके साथ ब्रेक पर जाते हैं, फिर बाद में प्ले भी कर लेंगे साथ, कोई दुआया करते हैं, सोनी धरती कर ले, सोनी धरती कर लेते हैं साथ। Oh yes. क्या ख्याल है, चलो चलें लिसनर्स हम आपके साथ आ गए हैं, पहला मिली नगमा पाकिस्तान की आज़ादी हम मना रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो पर भी, तो हम मिली नगमे के साथ ब्रेक की तरफ जाएंगे और आप हमारे साथ रहेंगे। आइए एहसन इकबाल,
सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद कदम कदम आबाद तुझे कदम कदम आबाद सोनी धरती अल्लाह रखे तेरा हर एक जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा तेरे दम से शान हमारी तुझसे नाम हमारा जब तक है ये दुनिया बाकी हम देखें आजाद हम देखें आजाद तुझे हम देखें आजाद सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद कदम कदम आबाद तुझे कदम कदम आबाद ये वी विल बी राइट बैक जनाब आप सुन रहे हैं बैटल ऑफ द बेस्ट मिलते हैं ब्रेक के बाद जनाब अली खुश आमदीद कहते हैं आपको आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बैटल ऑफ द बेस्ट नई सुबह वेब रेडियो पर ये नया अभी अभी ओवन से निकला हुआ ताज़ा आपके लिए हम प्रोग्राम लेकर आए हैं और इंशाल्लाह बहुत एंजॉय करने वाले हैं। अब हम बढ़ रहे हैं बाकायदा अपने प्रोग्राम की तरफ। जो हमारा टॉपिक है आज का वो क्या है वो भी हम आपको बताते हैं और इसमें ज़ाहिर है हम ऐसी ऐसी चीज़ें आपके लिए लेकर आए हैं जो आजकल के दौर में बहुत मैं समझता हूँ उनकी इम्पोर्टेंस इसलिए भी है बात करना क्योंकि ज़ाहिर है हम यही सोचते हैं कि यार घर का खाना होना चाहिए या बाहर का खाना होना चाहिए, डिग्री अच्छी है या स्किल्स अच्छी हैं, क्या करना चाहिए, बड़ी बहस रहती है, सड़कों पर बहस रहती है, चाय के ढाबे पर बहस रहती है, इस पर तो हर जगह होती है। तो हमने कहा कि एहसन इकबाल और मैं चाय के ढाबे से उठाकर सड़क से उठाकर आप जो है वो डिबेट को हमारी जोड़ी के दरमियान ले आए साकिब रजा, कहीं हमारी लड़ाई ना हो जाए यार। नहीं, ज्यादा से ज्यादा अल्फाज की लड़ाई हो सकती है, बाकी तो कुछ नहीं होगा। वेल जनाब, तो ये हमारा एक कंपैरिजन टाइप का कंपैरेटिव स्टडीज को हम कह सकते हैं जो कि हम यहाँ पर करेंगे। लिस्टनर्स, मैं समझता हूँ आपके लिए इसमें बहुत कुछ फूड फॉर थॉट होगा, यानी वो डिबेट जो कि हम उस तरीके से नहीं कर पाते फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, या जो डिबेट हम लोग आम तौर पर कर रहे होते हैं बहुत लाइटर नोट पर होगी। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो अमेरिकन पार्लियामेंट में चले जाएंगे या पाकिस्तानी पार्लियामेंट में चले जाएंगे जहाँ हू हा हो रही होती है। हम बहुत ही लाइटर नोट पर रेडियो शो समझते हुए और आपका जो एंटरटेनमेंट टाइम है उसको कंज्यूम करते हुए, ऐसा नहीं है कि उसको हम बहुत कोई इंटेलेक्चुअल टाइम बना देंगे, आपका कोई स्टडी टाइम बना देंगे, यही एंटरटेनमेंट टाइम होगा और लाइटर नोट पे आपसे बातचीत हो रही होगी। तो मैं समझता हूँ आज का पहला टॉपिक लेते हैं। पहला टॉपिक है स्किल्स वर्सेस डिग्री। जनाब आज हम बात कर रहे हैं स्किल्स और डिग्री पर क्योंकि ये भी बहुत अहमियत का हामिल है। कहते हैं आगे पढ़ो, बच्चा कहता है नहीं भाई नहीं मैं स्किल्स सीखूंगा, मैं स्किल्स सीखूंगा। और काफी लोग कहते भी हैं कि स्किल्स सीखनी चाहिए क्योंकि आपके पास हुनर होगा तो आप पैसा कमा सकते हैं, आपके पास जॉब होगी तो मतलब स्किल से ज़ाहिर है जॉब भी मिलती है। आपके पास अगर मास्टर्स की डिग्री है तो मैं समझता हूँ अगर आपके पास आपको कंप्यूटर यूज़ नहीं करना आता, आपके पास कोई ऐसी स्किल नहीं है तो वो जो आपको हायर करने वाला है वो भी परेशान हो जाता है कि ये काम क्या करेगा, डिग्री तो दिखा दी इसने। तो ऐसे मौके पर ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती, तो आज इस पर बात कर रहे हैं। ऐसे इकबाल, इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ आएँ, मैं चाहता हूँ ये जो अभी हम डिबेट यहाँ पर करने जा रहे हैं इस पर और उस पर कहिएगा, वो जो 3-4 मिनट की जो डिबेट होती है जो हम आम तौर पर स्टेज पर जाकर माइक लेके और 3-4 मिनट मुसलसल बोलते रहते हैं, डिबेट करते रहते हैं हम, यानी किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? उसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है क्योंकि हम यहाँ पर एंटरटेनमेंट टाइम को कंज्यूम करते हैं, कस्टमर कह रहा हूँ अपने लिसनर्स के। और इसके अलावा जो लाइटर नोट पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा
मैंने कहा ना कि जैसे हम पार्लियामेंट में होते हैं तो अपोजिशन और गवर्नमेंट के जो नुमाइंदगान हैं वो आपस में डिबेट करते हैं किसी इशू को लेकर, तो वो बहुत हाई नोट्स पर होती है, उनकी तरफ से कुछ लैंग्वेज भी ऐसी यूज़ की जा सकती है जो कि बहुत कुछ हाश टाइप की हो, और फिर वहाँ बायकॉट का सिलसिला और ये सब कुछ होता है, वो बहुत सीरियस नोट पे होती है। और जो हमारे यहाँ डिबेट कॉम्पिटिशन अमूमन देखे जाते हैं रमज़ान ट्रांसमिशंस और यहाँ वहाँ दीगर जमाएँ, वो बहुत मशहूर है ना, क्या हम आज़ाद हैं, और उस पे जो है वो डिबेट थी एक, और बहुत लोगों ने देखी, मिलियंस में वो डिबेट गई है। मैं समझता हूँ उर्दू डिबेट की सबसे बड़ी डिबेट अगर हम यूट्यूब पर देखना चाहें तो वो यही है, हम आज़ाद हैं, जिस पर लोग बोलते हैं। इसमें करारदाद होती है कि जैसे करारदाद कहलाती है ये टॉपिक कि हम आज़ाद हैं, अब एक बंदा इसकी मुखालिफत में बोलेगा, एक बंदा हिमायत में बोलेगा, हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, यानी जैसे साकिब रजा के पास स्किल आ गई मेरे पास जो है वो एजुकेशन आ गई, या साकिब रजा के पास एजुकेशन आ गई मेरे पास स्किल आ गई, तो मैं समझता हूँ कि जो वो डिबेट है वो थोड़ी सी इंटेलेक्चुअल टाइप की है, वहाँ पर फैक्शन फिगर्स होते हैं, वहाँ पर जज बैठे होते हैं, वहाँ पर जो है वो करारदाद पास होती है, वहाँ पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड पोजीशन मिलती हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बहुत लाइटर नोट पर आपको एक फूड फॉर थॉट देना है, एक मैसेज देना है और एक मैसेज कन्वे करना है, आपको क्लैरिटी देनी है दोनों चीज़ों के हवाले से, बस दैट्स इट। ऑल राइट जनाब, एसन का हमने पॉइंट ऑफ व्यू ले लिया, जो डिबेट करते रहे ये ज़ाहिर है बड़े डिबेटर हैं, तो ये है कि हमने कहा कि इनका इस हवाले से भी वर्जन शामिल करते चलें ताकि आपको क्लियर हो सके यहाँ पर हम क्या करेंगे। और वो जो माइक थोड़ा और क्लियर करना चाहता हूँ, मैं डिबेटर में लड़ाका नहीं लेकिन यहाँ पर आपको मुख्तलिफ अंदाज में एसन लड़ते हुए नजर आएंगे। तो जनाब आप एजुकेशन ले रहे हैं, आप जो देने सरकार आपने हमें आप एजुकेशन ले रहे हैं, हम स्किल्स ले रहे हैं लिसनर्स और मैं, आप एजुकेशन पे बात करें क्या कहेंगे, एजुकेशन का क्या ऐसा पॉइंट है, बड़ा पॉइंट जो आप समझते हैं कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है? एजुकेशन अहमियत की हामिल तो है, ये तो मैं समझता हूँ कि जो स्किल्ड लोग हैं, मुझे याद नहीं आते कि कौन से ऐसे स्किल्ड लोग हैं जिनके पास एजुकेशन नहीं है, ये एजुकेशन हासिल करने के बाद कुछ स्किल्स हासिल कर लेते हैं और फिर कहते हैं स्किल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई तो पहले वो अपनी डिग्री निकालो ना, वो एजुकेशन स्किल कैसे समझ में आ सकती है, यानी एक आम बंदे को जिसको कुछ नहीं पढ़ना आता, जिसे कुछ जो स्कूल गोइंग नहीं था, उसको आपको स्किल सिखा के दिखाएं फिर बात करें। जनाब देखें ना, आपका घर कौन बना रहा है, आपका घर मजदूर मिस्त्री बना रहा है जो कोई उसके पास डिग्री मौजूद नहीं है, तो आपने सोसाइटी में उसको मकाम क्या दिया है, कुछ भी नहीं दिया। वो तो गलत बात है ना, वो तो अलग बात होगी, लेकिन आपका घर बना रहा है, आपके लिए जो खाना बाहर रेस्टोरेंट पे बना रहा है, वो आमतौर पर यही हम देखते हैं कि वो भी नहीं पढ़ा लिखा होता, लेकिन इतने अच्छे अच्छे खाने बना रहा है, आपको खिला रहा है। जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा ये है कि वो पढ़ नहीं पाया, ये तो मतलब पढ़ नहीं पाया, वो तो एक माशरे ने बना दिया ना गवर्नमेंट जॉब की खातिर। नहीं ऐसा नहीं है, एजुकेशन की इम्पोर्टेंस है। आप देखें जब कोई मास्टर्स लेवल का बंदा आपके किसी मजलिस या गैदरिंग में दाखिल होता है तो लोग उसके लिए खड़े होते हैं, एक पीएचडी लेवल का बंदा उसकी डिग्री के बेस पे उसकी एक रिस्पेक्ट होती है, आपकी सीवी के अंदर जब ये डिग्री होती है तो उस डिग्री के बाद जो रिक्रूटमेंट टीम होती है वो उसका बिहेवियर आपके साथ बिल्कुल अलग होता है, और सोसाइटी में जितने भी आपके हायर अथॉरिटीज़ हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट ओहदे हैं, पोस्ट्स हैं जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन के काम आते हैं, यानी आप मुझे ये बताएं कि वो घर एक घर बनाने वाला बेहतर है या फिर पूरा सिटी कमिश्नर बेहतर है, क्योंकि सिटी कमिश्नर ने उन तमाम घरों को पूरे शहर में बनने वाले घरों की परमिशन देनी है, फाइल्स बनाने की, लोगों के बेटरमेंट के लिए सोचना है, आपकी ट्रैफिक के निज़ाम को देखने के लिए सोचना है, तो ये सब चीज़ें कौन करता है, एक सिटी कमिश्नर करता है जो कि हायरली एजुकेटेड होता है। लेकिन इसमें आप ये चीज़ भी तो देखें ना कि अगर उनके पास ये स्किल नहीं है, कंप्यूटर नहीं यूज़ कर सकते, तो वो फिर डेटा कैसे मेंटेन करेंगे, ये भी तो एक स्किल है ना, कंप्यूटर यूज़ करना, अच्छा बोलना, तो ये स्किल्स आपको तालीम भी तो देती है। हमारी एजुकेशन का एक फ्लॉ ये है कि हम थोड़े से आउटडेटेड हो गए, वरना एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी अगर लेट सपोज फैमिली में कोई न्यू बॉर्न बेबी है तो वालदैन का क्या ख्याल होता है कि उन्हें जो है वो हमने स्कूल में दाखिल नहीं कराना, ज़रूरी ये ख्याल होता है कि हमें स्कूल में दाखिल कराना है, बिकॉज एजुकेशन की एक इंपॉर्टेंस है, आप तालीम को इग्नोर नहीं कर सकते, मतलब डिग्री को इग्नोर नहीं कर सकते और स्किल को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। वो हमने सिंधी में एक चैप्टर पढ़ा था स्कूल में ना, हुनर बड़ी दौलत आए करके, उसमें वो माई खैरी होती है और बहुत बहुत मजे का चैप्टर था वो, अपने बच्चे को एक हुनरमंद आदमी के पास छोड़ कर जाती हैं और वो हुनर सीख नहीं रहा होता, फिर उसको वो एक जो है वो अपने कमरे में बंद कर देती हैं 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए, और उसके बाद फिर उसको अंदाज़ा होता है कि मेरे लिए हुनर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वो, और उसके बाद वो एक बहुत ही हुनरमंद आदमी बनता है। मतलब ये उस वक्त की जो वालदा थी उनका जहन था कि मेरा बच्चा कोई हुनरमंद बने। मैं ये समझता हूँ कि आज जो आपके एजुकेशन में पढ़ने वाले बच्चे हैं, यानी जो भी आपके यूनिवर्सिटी गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, मैं उन्हें खुद जितने मुझसे कनेक्टेड हैं मैं उनको मशवरा दे रहा होता हूँ कि शाम में कुछ करें भाई, ये ज़िंदगी ऐसे नहीं गुजरनी। मैं बिल्कुल इस बात के ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि आप सिर्फ डिग्री लेके बैठ जाएँ,
क्योंकि डिग्री आपकी, हमारी जो एजुकेशन का हमारा सेक्टर है वो थोड़ा सा आउटडेटेड है, यानी अभी भी हमारे यहाँ डिजिटल क्लासरूम्स नहीं है, हमारे यहाँ जो है वो लेट सपोज आप AI आ गया है, लेकिन अभी AI हमारी कंप्यूटर साइंसेज की डिग्रीज के साथ, कंप्यूटर साइंसेज के करिकुलम के साथ इंटीग्रेटेड नहीं हुआ है बहुत से इंस्टीट्यूट्स में। हाँ, इसके शॉर्ट कोर्सेज हो गए हैं अलग से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का, डेटा साइंसेज का कोर्स हो गया, बट जो नॉर्मल हमारे कोर्सेज हैं जहाँ पे AI को यूज़ किया जा सकता है वहाँ पे नहीं किया गया। रिसर्च सेंटर्स जितने हैं वहाँ पे नहीं किया गया, आपके सोशल साइंसेज के जितने हैं, आपके करिकुलम डिजाइनिंग में आप AI कहीं भी नज़र नहीं आता, तो ये एक फ्लॉ ज़रूर है, बट इससे डिग्री की अहमियत कम नहीं होती, आई थिंक सो। अच्छा ऐसा ना, आप मुझे इस पर तो बताएं कि आजकल हम देखते हैं पाकिस्तान में ऐसे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं और इस वक्त मिलियंस में कमा रहे हैं, डॉलर्स में उनकी अर्निंग हो रही है, सोशल मीडिया पर इस वक्त बड़े बड़े यूट्यूबर्स बन चुके हैं ऐसे जो एजुकेटेड नहीं हैं, उन्होंने मैट्रिक भी बमुश्किल तमाम मैं समझता हूँ किया हो। हाँ मुश्किल तमाम मतलब बड़ी मुश्किल किस किस की मदद से मैटर की ये समझने वाले समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने मैट्रिक भी पता नहीं कैसे निकाला होगा, कैसे किया होगा, समझ रहे हैं ना। तो ये कि वो आज डॉलर्स में अर्निंग हो रही है उनकी, आज़ाद चाय वाला को देख लें या कई ऐसी एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद हैं। मैं पाकिस्तान में ऐसे ऐसे बड़े बड़े क्रिकेटर्स को देखता हूँ कि जिन्होंने एजुकेशन इतनी नहीं हासिल की उसके बावजूद आज पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम सियासत में देख लें तो बड़े बड़े ऐसे नाम, यहाँ पर नाम लेना अब मैं समझता हूँ क्या ही नाम ले, हिम्मत करें आप बड़े बड़े शायर हम देखते हैं जो इतने पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन किताबें भर के चले गए, शायरी लिख के चले गए। तो ये इस सब पर फिर क्या कहेंगे आप? इन सब पर मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं तो भाई रिस्पेक्ट दे रहा हूँ आपको स्किल्स वालों को, बट मैं ये बता रहा हूँ कि डिग्री की स्टिल एक अहमियत है, स्किल्स को डिग्रीज के साथ अटैच करना पड़ेगा वरना डिग्री की इम्पोर्टेंस भी ख़त्म हो जाएगी और स्किल की इम्पोर्टेंस भी ख़त्म हो जाएगी। मुझे ये बताया ना कि आज़ाद चाय वाला हो या डिफरेंट जितने भी हमारे मिलियनर्स हैं, बिलियनर्स हैं जो पैसा कमा रहे हैं, पैसा कमाना एक कोई पैमाना नहीं है कि एक बंदा इसकी इस चीज़ की अहमियत ज़्यादा है क्योंकि इससे पैसा बनता है। मैं समझता हूँ कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत बड़ी चीज़ होती है, दूसरा आपका सोसाइटी में कितना इम्पैक्ट है और सोसाइटी में आपका क्या रोल है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। शायद आप पैसे इतने नहीं कमा रहे लेकिन डिग्री वालों ने बहुत पैसे कमाए थे, रजा मैं आपको मिसालें दूँ तो आप लोग बोलेंगे कि दो नंबर तरीके से पैसे कमाएँ, क्योंकि वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो आपके CSS ऑफिसर्स हैं और जितने भी हाई रैंक आपके ऑफिसर्स हैं जो 20-21 ग्रेड के ऑफिसर्स बनते हैं उनके आप जो है वो असासे उठाएं और फिर आप बस इंजॉय करें, आप तो परेशान हो जाएंगे कि ये इतने असासे कैसे पाकिस्तान में बन सकते हैं। अच्छा उनमें अच्छे लोग होंगे लेकिन मैं समझता हूँ कि उनके पास भी एक स्किल होती है, वो स्किल होती है रिश्वत लेने की वो किस तरह रिश्वत लेके पैसा कमा रहे होते हैं और लाखों रुपये महाना बना रहे होते हैं, तो वहाँ पर भी स्किल यूज हो रही है ना सर? भाई कह सकते हैं आप, लेकिन एक मैं समझता हूँ 17-18 ग्रेड के बंदे की एक अच्छी सैलरी होती है, 1+ होती है, 100K प्लस, तो उसमें अगर आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी है, आप जो है वो आपने एक दो बच्चे अच्छे के कानून पे अमल किया हुआ है, आपकी फैमिली छोटी है, तो यू हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू अपनी इन्वेस्टमेंट्स के साथ, सेविंग्स के साथ, तो ऐसा नहीं है कि हर बंदा जो है वो इस दो नंबर धंधे में मुलव्वस है, चाहे वो रिश्वत का हो या स्मगलिंग का हो किसी भी हवाले से हो। वेल मैं समझता हूँ कि जो स्किल है उसके ऊपर अगर हम बात करें साकिब रजा, तो स्किल्स के बहुत सारे नेगेटिव यूज़ भी हैं, यानी अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो आपके हाथ में एक टूल है सोशल मीडिया का, आप जिसको चाहे रोस्ट कर दें, आप जिसको चाहे मतलब जिसको चाहें आप जो है ना वो सरेआम ला के खड़ा कर दें सरे बाजार, तो ये एक बहुत नेगेटिव यूज़ है अगर आपके पास स्किल है। तो अगर आपके पास स्किल है, लेट सपोज बोलने की स्किल आपके पास है, तो आप मतलब कुछ भी बोल लेंगे अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन आपको सबसे मेन चीज़ आपको शऊर देती है, अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो ये जो स्किल्स है ना ये आपको डबो सकती हैं, आपको कुछ भी जो है वो किसी भी राह पर लेके जा सकती है, क्योंकि आपके पास राइट ऑफ सिलेक्शन नहीं है कि आपने किस सड़क पे चलना है, कौन सा रास्ता सीधा है, इसका शऊर, इसकी जो है वो दूर अंदेशी और जो है वो आपको बसीरत जो प्रोवाइड करेगी वो एजुकेशन ही प्रोवाइड कर रही होगी। अच्छा रुकें, अब मैं यहाँ पर कुछ कहना चाहता हूँ, आप एजुकेशन का सबसे बड़ा नुकसान देखें क्या होता है, हमें क्या होता है, हम जब कोई बड़ी डिग्री हासिल कर लेते हैं ना, PhD कर लेते हैं, हाँ पढ़ा लिखा जब पढ़े लिखे मतलब इतने लोग आ जाते हैं ना, तो वो क्या कहते हैं कि हमें जब तक किसी AC वाले एनवायरनमेंट में हमें जॉब नहीं मिलेगी तो हम कुछ करेंगे नहीं। हाँ शश के जब तक नहीं मिलेंगे वो बेचारे कहते हैं हम भूखे मरेंगे लेकिन हम चिप्स का ढाबा नहीं खोलेंगे, चाय का ढाबा नहीं खोलेंगे, वो मतलब शर्माते हैं ना, कहते हैं यार हमारे पास बड़ी डिग्री मौजूद है यार हम क्यों मतलब ये करें, तो वो बेचारे फिर इस चक्कर में
भूखे भी मारे जाते हैं समटाइम, तो एजुकेशन इतनी ज्यादा आप हासिल कर लें और आपको आपके मतलब की जॉब भी ना मिले, आपके माशरा क्या कहेगा? पीएचडी वाला लगा के जॉब कर रहा है, पीएचडी वाला 30,000 रुपए 40,000 रुपए किसी छोटी दुकान पे जॉब कर रहा है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं इस बात से एग्री करता हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है ना साकिब रजा कि एजुकेशन की वैल्यू खत्म हो जाती है, क्योंकि एजुकेशन आपको शऊर देती है। ये उन एक चंद लोगों की बात आप उठाकर एजुकेशन के मत्थे नहीं मार सकते कि एजुकेशन का ये फ्लॉ है क्योंकि ये बच्चा जो है वो कुछ नहीं कर रहा। मैंने तो वो लोग देखे हैं जो कि एजुकेशन हासिल करके भी ज़मीन पर बैठते हैं, ज़मीन पर खाना खाते हैं, उन्हें छोटे बच्चों से मिलना पसंद होता है, छोटे बच्चों से प्यार करते हैं, उन्हें गिफ्ट्स देते हैं, और ऐसे मोहब्बत करने वाले लोग एजुकेशन सेक्टर में पाए जाते हैं। आपके टीचर्स उठाएं सबसे बड़ी चीज़, कुछ ऐसे लोग मिलते हैं ज़रूर, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो तालीम उनको ऐसा देती है। हो सकता है घर का माहौल उनका ऐसा हो सकता है उनकी जो नर्चरिंग पेरेंट्स की तरफ से, उनके फ्रेंड्स की तरफ से ऐसी हुई है, अबे जावे, हम लोग बोलते हैं ना दोस्तों को, अबे जावे इतना पढ़ के भी ये करना था तो फ़ायदा पढ़ने का, अब्बा के पैसे जाए किए तूने तो, समथिंग लाइक दैट ना, मतलब इस तरह। तो फिर ये उनकी एक कारस्तानी है ना, अगर वो बच्चा उसकी साइकी पर, मैं समझता हूँ अगर कोई तालीम हासिल करने के बाद भी इतना मजबूत नहीं है कि वो अपने फैसले खुद कर सके, दूसरों की राय उसके फैसलों पर असरअंदाज हो रही है, तो शायद तालीम उसके सर के ऊपर से गुजरी है। और अगर तालीम किसी के सर के ऊपर से गुजरी है तो इसमें कसूर तालीम करेंगे, कसूर जो है ना वो उसकी उसका इंटेलेक्चुअल छोटे कद का है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत लंबी डिबेट, अगर हम इसको करना चाहें तो कर सकते हैं, बट मसला वही है कि जो एजुकेशन है और जो स्किल्स हैं इन दोनों को एक दूसरे के साथ इनकॉर्पोरेट होना पड़ेगा, वगरना स्किल भी एक तरह से हमारे लिए ख़तरनाक टूल हो सकती है, क्योंकि अगर बग़ैर एजुकेशन के हम, बग़ैर शऊर के हमारे पास स्किल्स आ जाएंगी और उसका फिर हम किसी भी तरीके से कोई भी मिसयूज़ कर सकते हैं। यानी जिनके पास कम्युनिकेशन की पावर है और इनके पास टेक्नोलॉजी भी है, तो देखें ना कितने फ्रॉड्स पाकिस्तान में चल रहे हैं। अगर उनके पास एजुकेशन होती, उन्हें पता होता, उनके उनको अखलाकी तरबियत मिली होती, शऊर उनके पास होता, तो वो लोगों के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग ज़रूर करते लेकिन प्रॉब्लम क्रिएशन नहीं करते। तो इन दोनों को एक दूसरे के साथ लिंक्ड अप होना पड़ेगा, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनको सोचना पड़ेगा, और जो हमारे पेरेंट्स हैं उन्हें बिलखसूस सोचना पड़ेगा कि आपका बच्चा जब 8 क्लास क्रॉस कर गया है, 9 मैट्रिक में आ गया है, तो यू हैव टू मेक देम रेडी टू बी इन द मार्केट। आप उन्हें स्किल्स सिखाएं, उन्हें जो है वो आप ऐसी स्किल्स उनके अंदर, इंटरपर्सनल स्किल्स, उनकी सेल्फ डेवलपमेंट और प्लस उनकी टेक्निकल स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने से इंपोर्ट भी डालें। और इंस्टीट्यूशंस को भी ये बात सोचनी पड़ेगी कि अगर कोई इंस्टीट्यूट मॉर्निंग में एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो इवनिंग में कुछ इस तरह के कोर्सेज या डिप्लोमाज या शॉर्ट टाइप वर्कशॉप्स अरेंज करें, ताकि उनके जो पास से ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं वो कहीं ना कहीं टेक्निकल स्किल्स भी हों और मार्केटिंग के लिए कंपेटेबल भी हों। ऑल राइट जनाब, यहाँ पर हम एक ब्रेक शामिल करते हैं, ज़ाहिर बहुत ज़्यादा बात हो गई, हमें एड्स भी चलाने हैं, गाने भी चलाने हैं, तो ऐसा आप पैसे ले रहे हैं और एड्स नहीं चला रहे, तो एड्स चलाते हैं जनाब, कमर्शियल ब्रेक, गाना एंजॉय करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, नई सुबह वेब रेडियो सुनते रहिएगा। वेलकम बैक जनाब, क्या जबरदस्त गाना प्ले किया है, दोबारा से एनर्जी वापस आ गई है, लेकिन टाइम चला गया है। वेल लिसनर्स, बहुत अच्छी डिबेट रही आपके साथ और बहुत मजा आया, अच्छे अच्छे गाने सुनने को मिले, 14 अगस्त की कुछ बातचीत हुई इंडिपेंडेंस डे के हवाले से, बाजे साजों की बातें हुई, तो बाजों से मुझे थोड़ी थोड़ी ना बस वो बारात बारात की भी फीलिंग आ जाती है। तो वेल इसको छोड़ते हैं और लिसनर्स के फीडबैक शामिल करते हैं, हम तो बहुत बोल लिए हैं, लिसनर्स को भी प्रोग्राम में शामिल करने का मौका हमें चाहिए, 7 जगह हमें मिल गया है। इस्माइल हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से, 0330860072 पर इन्होंने हमें मैसेज किया है और ये कहते हैं कि आपका प्रोग्राम बहुत बेताबी से मैं मुंतजर था इसको सुनने के लिए, तो बहुत शुक्रिया जी इस्माइल, आपको यकीनन आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया है, तो इसके लिए भी बहुत बहुत मेहरबानी। मोहम्मद उमर हमारे साथ मौजूद हैं, जो कहते हैं कि आपके प्रोग्राम का नाम बहुत अच्छा है, बिल्कुल आप लोगों की तरह, ओ माय गॉड, तो बहुत शुक्रिया जी, ये नाम भी बहुत मज़े का है और मैं समझता हूँ कि इसका पैगाम भी बहुत मज़े का होना चाहिए, वो भी आप हमें बताएंगे कि कैसा रहा। हमारे साथ जो है वो इश्तियाक साहब मौजूद हैं, ओ माय गॉड, हमें मुझे लगता है बड़े लोग भी सुन रहे हैं, तो जो थोड़े से नाम से पता चल रहा है, थोड़े से बड़े लोग हैं वो यकीनन मेरे साथ होंगे, क्योंकि वो डिग्री की अहमियत को समझते हैं, आइए छोटे बच्चे अंकल इनको कुछ नहीं पता, ये समझते हैं कि बस शॉर्ट कोर्सेज कर लो 6-6 महीने के, ये स्किल सीख लो और पैसे कमाओ, तो
वेल इनका कहना ये है कि बैटल ऑफ द बेस्ट, इसके साथ बहुत सारी बेस्ट विशेज हैं, नेक तमन्नाएं हैं, बहुत शुक्रिया जनाब। इंशाल्लाह ये प्रोग्राम गाए गाए आपके सामने जब आता रहेगा तो बतदरीज इसमें बेहतरी आती रहेगी। इसके अलावा हमारे साथ आयशा मलिक मौजूद हैं कराची से। आप दोनों का प्रोग्राम हमेशा की तरह बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया। साकिब रज़ा कुछ कमेंट्स? बिल्कुल जनाब, मैंने अपने मतलब का सबसे पहले कमेंट शामिल किया है। अब्दुल कादिर साहब कह रहे हैं हमें, ये रावलपिंडी से हमें सुन रहे हैं, कहते हैं कि ये जो एहसन इकबाल जैसे लोग हैं ना, ये बस एजुकेशन पे ही बात करते रहते हैं और डिग्रियां ले लेते हैं। इनकी अर्निंग जो है ना 70-80 हज़ार ज़्यादा से ज़्यादा होती है और हम जो है ना प्रॉपर्टी डीलिंग करके 15-20 लाख माहाना कमा रहे होते हैं। हमें कोई एजुकेशन की डिग्री हमारे पास नहीं है, तो इस पर भी बात करेंगे। मतलब ये कि क्या बात है जनाब, इतना कादिर साहब 70 हज़ार में दुनिया हमारे कदमों के नीचे है यार। आप 15-20 लाख रुपए कमा के भी अगर आप एक महफिल में साइड पे बैठे होंगे तो मैं नहीं समझता है 15-20 लाख। नहीं भाई, पैसे वाले की तो सारी बात होती है, वो कहाँ एक कोने में बैठे वालों की बस। कोई नहीं जनाब, वो सब कुछ खरीद सकते हैं, वो लोगों को भी खरीद सकते हैं, वो माहौल भी बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बिकाऊ माल का क्या करना है यार, लोगों को अगर खरीदा जा सकता है तो वो लोग तो ना हुए। अच्छा जी जनाब, फराज साहब हमें सुनने कहते हैं कि एहसन इकबाल, फराज साहब कहते हैं कि एहसन इकबाल की आवाज़ बहुत अच्छी है, जब शायरी पढ़ते हैं तो दिल जीत लेते हैं। तो है भाई फराज साहब, आप और शायरी और उसके बाद फिर एहसन इकबाल तो कहीं थे ही नहीं। ओह माय गॉड, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें मीना सुन रही है, कहती हैं कि आप लोगों का जो पहले प्रोग्राम आया करता था खेल खेल, उसमें जो कसौटी राउंड था वो मैंने बड़ी दिलचस्पी के साथ तमाम एपिसोड सुने और बहुत मज़ा आया। आप दोनों की जोड़ी भी बहुत अच्छी लगती है, जचती है, और आप दोनों जब साथ शो करते हैं तो छा जाते हैं हमारे दिलों पर। बहुत तो... शुक्रिया मीना। लेकिन मैं अपनी बात करूं तो मैं भी कसौटी को बहुत मिस करूंगा बैटल ऑफ द बेस्ट में, क्योंकि कसौटी हमारा एक बहुत यूनिक सीन था और उस पे जो हम गेस्ट को फंसाया करते थे ना, मतलब बड़े बड़े आरजेस हमारे प्रोग्राम में चुपचाप बैठे होते थे क्योंकि उनको कुछ समझ नहीं आ रही होती थी कि क्या चल रहा है। ऐसा ही है जनाब। तो ये कमेंट्स हम आपके शामिल कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग हैं हमारे साथ, जिस तरह अब्दुल कादिर हमें सुन रहे हैं, मीना सुन रही है, फराज हमारे साथ हैं। सिस्टम को देखने के साथ साथ ना घड़ी भी देखें, घड़ी भी देख रहे हैं हम, तो टाइम अभी हमारे पास चूंकि नहीं है, दामन वक्त में मजीद गुंजाइश नहीं है, तो हम प्रोग्राम को ख़त्म कर रहे हैं। आज की हद तक पहला एपिसोड बैटल ऑफ द बेस्ट आपने सुना नई सुबह वेब रेडियो पर। फीडबैक देना मत भूलिएगा, आपको क्या इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्या नया होना चाहिए, क्या आपको लगा कि ये वीक पॉइंट है, उसको भी हम ज़रूर आपके पॉइंट को सुनेंगे और उस पर कोशिश करेंगे कि काम करें और आपको अच्छा कॉन्टेंट प्रोवाइड करें। जी एहसन इकबाल जी जनाब, अभी तक के लिए इतना ही। बहुत मज़ा आया आज का प्रोग्राम करके, बहुत अरसे बाद जो है वो माइक्रोफोन का सामना करना पड़ा तो एक दिल सा लग गया, मतलब पता नहीं इसके साथ एक अजीब वाबस्तगी है और अजीब दिल लगता है इसके साथ। वेल जनाब, माइक तो हमारा दोस्त है, माइक हमारा दोस्त है। तो अभी इस माइक से छुटकारा हासिल करना है कुछ टाइम के लिए, फिर इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होने वाली है इसी तरह की एनर्जी के साथ। उम्मीद है कि आप तमाम लोग भी इसी एक्साइटमेंट के साथ बैठेंगे बैटल ऑफ द बेस्ट के एक और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ, एक और बेहतरीन से कंपैरिजन के साथ, एक और ऐसे मसले के साथ जिसमें कहीं ना कहीं जनरेशन गैप नज़र आता है, हम उसे बैठ कर सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी एहसन इकबाल को दीजिए माइक्रोफोन के इस पार से इजाज़त, दुआ में रखिएगा याद, अल्लाह। ऑलराइट जनाब, आपने बताना है कि आज की डिबेट में आपको क्या ठीक लगा, ये ज़रूर बताना है आपने अपने फीडबैक में। तो मैं भी इजाज़त चाह रहा हूँ, आपसे मुलाकात होगी जिस तरह एहसन ने कहा कि अगले हफ्ते, बशर्ते सेहत और सलामती और ज़िंदगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, सलामत रहें, जहाँ रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपनी ज़िंदगियों को इंजॉय करते रहें। अल्लाह हामी नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।